सारी गर्भवती महिलाएं यही सोचती है कि गर्भावस्था में हम खुद को पर्याप्त पोषण कैसे दें, जिससे कि हमारा जो बेबी है वो हमारे टमी में हेल्दी रहे। इसका आंसर है खजूर। खजूर आपके लिए बहुत लाभदायक हो सकता है गर्भावस्था के दिनों में। गर्भावस्था में इसका सेवन आपको पूर्ण रूप से पोषण देने का काम कर सकता है। इससे आपको और आपके शिशु को बहुत फायदा हो सकता है। साथ ही गर्भावस्था के दौरान होने वाली कई समस्याओं को भी दूर किया जा सकता है। सबसे पहले जान लेते हैं कि गर्भावस्था में खजूर खाने से क्या क्या फायदे होते हैं। एक नंबर, शरीर में ऊर्जा बनाए रखने में ये बहुत हेल्प करता है। गर्भावस्था के दौरान खजूर का सेवन शरीर में ऊर्जा के स्तर को बनाए रखने में बहुत मदद करता है, क्योंकि इसमें अधिक की मात्रा में कैलोरी पाई जाती है। दो नंबर, कब्ज से राहत दिलाने में भी काफ़ी मदद करता है। खजूर में फाइबर भरपूर मात्रा में पाई जाती है, जो मल को मुलायम बनाकर कब्ज की समस्या से राहत दिलाने में बहुत ही मददगार साबित होता है। तीन नंबर, शिशु का वजन बढ़ाने में। गर्भावस्था में फोलेट की कमी होने के कारण शिशु में कम वजन का कारण बन सकती है। यहाँ खजूर की अहम भूमिका देखी जा सकती है, क्योंकि इसमें फोलेट की मात्रा बहुत अच्छे से पाई जाती है, जो कि गर्भावस्था के दौरान फोलेट की पूर्ति कर सकता है। चार नंबर, एनीमिया से छुटकारा। खजूर के सेवन से एनीमिया को दूर किया जा सकता है। खजूर में आयरन का अच्छा स्रोत होता है, जो शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं को बढ़ाने में काफ़ी मदद करता है। इससे गर्भावस्था में एनीमिया के खतरे से बचा जा सकता है। गर्भावस्था में खजूर खाने से जो हाई ब्लड प्रेशर होता है उसको नियंत्रित किया जा सकता है। बहुत लोगों को गर्भावस्था में हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत हो जाती है, उसको नियंत्रित करने के लिए खजूर बहुत ही अच्छा माध्यम है। छः नंबर, भ्रूण की हड्डियों को निर्माण करने में काफ़ी मदद करता है। गर्भावस्था के तीसरे और चौथे महीने में गर्भवती स्त्री को कैल्शियम की अत्यधिक जरूरत होती है। कैल्शियम भ्रूण की हड्डियों के विकास में अहम पोषण के तत्व के रूप में काम करता है। ऐसे में खजूर के सेवन से शरीर में कैलोरी की पूर्ति की जा सकती है, इसलिए खजूर खाना बहुत ही जरूरी है। सात नंबर, जन्म दोष को कम करता है। कई शिशुओं में जन्म दोष पाए जाते हैं, यहाँ खजूर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। खजूर में फोलेट की भरपूर मात्रा पाई जाती है, जो न्यूरल टबल डिफेक्ट यानी कि मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डियों से जुड़ा जो जन्म दोष होता है, इस समस्या को दूर करता है। इसलिए गर्भावस्था में खजूर खाने के बहुत फायदे हो सकते हैं। बहुत सारी गर्भवती स्त्रियों का सवाल होता है कि क्या गर्भावस्था में खजूर खाना सुरक्षित है, अगर है तो कैसे। तो इसका जवाब है कि गर्भावस्था में खजूर खाना आपके लिए और आपके भ्रूण दोनों के लिए बहुत सुरक्षित है। खजूर में फ्रुक्टोज नामक कार्बन यौगिक होता है, जो ब्लड शुगर के स्तर को बदलाव किए बिना ही शरीर में ऊर्जा देने का काम करता है। रिसर्च में पाया गया है कि लेट प्रेगनेंसी में खजूर का सेवन प्रसव में सहायक हो सकता है। साथ ही यह लेवर को बढ़ाने के लिए ऑक्सीटॉक्सिन नामक एक हार्मोन होता है, उसकी आवश्यकता को भी कम कर सकता है। खजूर में पाए जाने वाले पोषक तत्व के बारे में हम जानते हैं। खजूर में कई तरह के पोषक तत्व पाए जाते हैं, जैसे कि पानी, ऊर्जा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, शुगर, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, फास्फोरस, पोटेशियम, सोडियम, जिंक, विटामिन सी, थायमिन, राइबोफ्लेक्सविन, नियासिन, विटामिन बी सिक्स, फोलेट डी फी ई, विटामिन ए, विटामिन ए आई यू, विटामिन डी। विटामिन डी के सारे जो ऑप्शन होते हैं सारे इसमें पाए जाते हैं। अब बात आती है कि कब खाना चाहिए। तो यहाँ मैं तीनों ट्रिमेस्टर के हिसाब से आंसर करूँगी। गर्भावस्था के पहले महीने से ही इसका सेवन शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि गर्भावस्था में महिलाओं को ज़्यादा आयरन की ज़रूरत होती है। इसकी पूर्ति खजूर के जरिए की जा सकती है। आयरन की कमी से एनीमिया की समस्या उत्पन्न हो जाती है, जिससे भ्रूण के विकास में बाधा आती है। आयरन की कमी से एनीमिया की समस्या उत्पन्न हो सकती है, जिससे कि भ्रूण के विकास में बाधा आ सकती है। शरीर में आयरन की कमी को पूरा करने के लिए आयरन टैबलेट की जगह खजूर का सेवन एक अच्छा विकल्प हो सकता है, लेकिन आपको इस दौरान कितनी मात्रा में खजूर खाना है ये आप सही जानकारी अपने डॉक्टर से ही लीजिए।
अब बात करते हैं दूसरे तिमाही की। गर्भावस्था के दूसरी तिमाही में कब्ज की समस्या बहुत ज़्यादा होती है। ऐसे में खजूर का सेवन आपके लिए बहुत ही फायदेमंद हो सकता है। दरअसल खजूर में फाइबर पाया जाता है जो भोजन को पचाने के साथ साथ कब्ज जैसी समस्याओं पर भी प्रभावी असर दिखाता है। लेकिन इस ट्राइमेस्टर में भी आपको कितना लेना चाहिए आपको अपने डॉक्टर से पूछना जरूर चाहिए। तीसरी तिमाही में गर्भावस्था में खजूर का सेवन करने से प्रसव में बहुत ही फायदा होता है। इस समय खजूर का सेवन से रक्तचाप और रक्त में शुगर का स्तर को नियंत्रित करने में काफ़ी मदद मिलती है। साथ ही अनीमिया और मतली की समस्या को भी दूर किया जा सकता है। इसका लाभ गर्भवती स्त्री और भ्रूण के स्वास्थ्य पर होता है। गर्भावस्था में किस तरीके से खजूर खाएं, अब हम ये बात करते हैं। तो आप अपनी गर्भावस्था में बहुत सारे तरीकों से खजूर को अपने डाइट में शामिल कर सकते हैं। एक नंबर, खजूर को ताज़ा पका हुआ ही खाया जा सकता है। दूसरा, इसे सुखा के भी खाया जा सकता है। तीसरा, खजूर को दही में मिलाकर स्मूदी की तरह भी लिया जा सकता है। खजूर को डेजर्ट के रूप में भी लिया जा सकता है। खजूर को दूध में मिलाकर मिल्क शेक की तरह भी लिया जा सकता है। गर्भावस्था के दौरान खजूर से नुकसान भी हो सकते हैं, इसके बारे में भी हम जान लेते हैं। गर्भावस्था में खजूर खाने से बहुत तरह के नकारात्मक प्रभाव भी देखे गए हैं। खजूर में शुगर की मात्रा पाई जाती है, जिस कारण इसका सेवन शुगर की मात्रा बढ़ाने का कारण बन सकता है। इसका अत्यधिक सेवन करने से वजन बढ़ने का भी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि इसमें ज़्यादा कैलोरी की मात्रा होती है। खजूर में फाइबर होता है, इस तरह अधिक खाया जाए तो इसे दस्त लग सकते हैं, इसलिए खजूर को सीमित मात्रा में खाना चाहिए। गर्भावस्था में अधिक मात्रा में खजूर को खाने से दांत सड़ने का जोखिम हो जाता है, इसलिए मैंने कहा कि आपको कितना मात्रा में खजूर खाना है ये आपको डॉक्टर से ही पूछना चाहिए कि आपकी प्रेगनेंसी में आपको कितने अमाउंट में खजूर को खाना है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने बताया खजूर को कैसे खाना है, कैसे नहीं खाना है, फ़ायदे नुकसान, कब लेना है, सब कुछ। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए।